नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 15 सितंबर 2019, और कल के लिए यानी 16 सितंबर 2019 सोमवार के लिए अपने 3 स्टार सेक्शन में दोस्तों मैंने 3 स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है। उसे किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट, इन सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर मैं दूंगा। उसके पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल पर डेली लाइव ट्रेड की वीडियोज मिलती है, पोजिशनल स्टॉक्स की वीडियो है, वेट स्टॉक एनालिसिस, बैंक स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक, बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस, बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस, सारी चीजें मिलती रहती है कंटिन्यू। तो इन सारी चीजों को पाने देखने समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ प्ले लिस्ट का एक सेक्शन बना हुआ है दोस्तों, अलग अलग चीज प्ले लिस्ट के हिसाब से बना हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक एनालिसिस, आपके सवाल मेरे जवाब, 3 स्टार का वीडियो, PSU बैंक एनालिसिस, लाइव वीडियो, ट्रेडिंग टर्मिनल जिसमें फायर जीरो था, ये सबके बेहतरीन स्क्रीन के बारे में मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज करके एक फोल्डर है, आप इसमें देखेंगे तो अलग अलग इंटरनेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, पोजिशनल स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताया गया है। तो इन सारी चीजों को देखिए, समझिए और खुद ट्रेड का डिसीजन लीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं 3 जिसे हमने कल 16 सितंबर 2019 सोमवार को मंडे के दिन इंटर टाइम में ट्रेड करने के लिए रखा है। दोस्तों उन तीनों स्टॉक में ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ मेरी कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ अपना रिसर्च और एनालिसिस को आपके एजुकेशन पर्पज के लिए पोस्ट करता हूं। तो आप ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर ले। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है बजाज ऑटो का। देखिए 15 मिनट का चार्ट है बजाज ऑटो, और बिल्कुल ट्रायंगल पैटर्न में बजाज ऑटो बहुत अच्छे तरीके से 9 तारीख से बनाते हुए ट्रायंगल पैटर्न को डेवलप करता हुआ जा रहा है, और अब इसके पास स्पेस हो गया है कम ट्रेड करने का। तो बजाज ऑटो जब ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा दोस्तों 2885 को, तो बाय करेंगे, बाय 2885। पहला टारगेट है दोस्तों 2900 यानी 2900 का, दूसरा टारगेट 2915 2915 का, और तीसरा टारगेट 2930 2930 का, स्टॉप लॉस 2870 का लगाएंगे यानी 2870 का। अगर बजाज ऑटो दोस्तों नीचे की तरफ ब्रेक करता है 2865 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 2865, पहला टारगेट 2850 2850, दूसरा टारगेट 2835 2835, और तीसरा टारगेट 2820 यानी 2820 का होगा, स्टॉप लॉस लगाएंगे 2880 यानी 2880 का। दोस्तों शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी ट्रेड को अवॉइड कीजिए, उसके बाद ही अगर स्टॉक हमारे बाइंग या सेलिंग लेवल को यूज करता है तो ही ट्रेड करें, वरना ट्रेड को अवॉइड कर दें। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए, ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। दूसरा स्टॉक है दोस्तों इस कंडीशन में कजारिया सेरामिक का। देखिए कजारिया सेरामिक का स्टॉक है 15 मिनट का चार्ट है, ये भी आप देख पा रहे हैं, और शुरू के 1-2 कैंडल को छोड़ दें तो बिल्कुल कजारिया जो है एक रेंज बाउंड रह गया, ना ऊपर जा पाया ना नीचे, बिल्कुल एक रेक्टेंगल पैटर्न में फंस गया। तो कजारिया को बाय करेंगे जब ये ऊपर की तरफ दोस्तों ब्रेक करेगा कजारिया 520 को, तो बाय करना है, बाय 520। पहला टारगेट है दोस्तों 524 524 का, दूसरा टारगेट 528 528, और तीसरा टारगेट 532 यानी 532 रुपए का, स्टॉप लॉस 516 यानी 516 का होगा। अगर कजारिया दोस्तों नीचे की तरफ ब्रेक करता है 512 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 512। पहला टारगेट है 508 यानी 508 रुपए का, दूसरा टारगेट 504 504 रुपए का, और तीसरा टारगेट होगा 500 यानी कि 500 रुपए का, स्टॉप लॉस 516 रहेगा यानी 516 का। दोस्तों अगर फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक आता है तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस टेक कर सकते हैं। और मेरा इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स ऑनलाइन ये 24 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 20 सितंबर 2019। तो जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना हो मेरे वेबसाइट पे जाके डिटेल देख सकते हैं, साथ ही मुझे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तीसरा और अंतिम स्टॉक है दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेस का। देखिए अडानी इंटरप्राइजेस का डेली का चार्ट है, बहुत छोटा स्टॉक है और बिल्कुल ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है ऊपर की साइड में, तो अडानी इंटरप्राइजेस को दोस्तों बाय करेंगे जब ये ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ 147 रुपए को, बाय 147।
पहला टारगेट है दोस्तों 148.50 ₹148.50, दूसरा टारगेट 150 ₹150 और तीसरा टारगेट 151.50 यानी ₹151.50 का। स्टॉप लॉस 145.50 का होगा यानी ₹145.50 का। अगर अडानी इंटरप्राइजेज नीचे की तरफ 144 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे। सेल बिलो 144, पहला टारगेट 142.50 142.50, दूसरा टारगेट 141 और तीसरा टारगेट 139.50 यानी ₹139.50 का होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 145.50 यानी ₹145.50 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। और मेरा ऑनलाइन इंटरडे ट्रेडिंग को 24 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 20 सितंबर 2019। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों, एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।